गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल Hey guys and welcome back to my channel. So if you're new to this channel, hi, my name is Ashi Khanna and I'd be really happy if you take a moment and subscribe to my channel below. So Diwali vlog is Diwali phase ke bina main vlog start hi nahi kar sakti yaar. It's my favorite time of the year. Lekin sabse pehle wishing you and your family a very 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 happy Diwali. Hope this Diwali only brings you happiness and prosperity. अभी टाइम हुआ है सुबह के 10:30 बज रहे हैं एंड आई एम ऑलरेडी सोच रहे हो एंड मैं कल सोई थी सुबह 4 या 5 बजे आई थिंक बिकॉज आई वॉज एट अ दिवाली पार्टी हाउस पार्टी एट अ फ्रेंड्स प्लेस एंड देन आई केम बैक लेट एंड देन आई स्लेप्ट उससे भी लेट सो टाइम हो गया काफ़ी एंड आई एम ऑलरेडी आई एम वेयरिंग दिस प्रिटी शरारा सेट एंड मैंने अभी तक बालों पे कुछ किया नहीं है हीट मतलब कर्ल जस्ट स्ट्रेट बिकॉज 3-4 दिन से लगातार मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ और मेरे बाल बहुत डैमेज हो चुके हैं ऑलरेडी तो अभी मैंने थोड़ा ब्रेक दिया मैं शाम में फिर से करना है बिकॉज आई एम चेंजिंग माई आउटफिट इन द इवनिंग बिकॉज इट्स दिवाली व्हाई नॉट चेंज ऑफ लोकेशन बिकॉज मुझे बैठना था सी ऑल ऑलरेडी नो दैट आई एम फाइनली होम एंड काफ़ी लोगों ने मुझे DMs में एंड मैसेजेस में पूछा इफ़ आई व्लॉग्ड द ट्रैवलिंग पार्ट बट नो आई डिड नॉट बिकॉज यार सेम चीज कितनी बार मैं व्लॉग करूँ है ना आई ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ दैट ऑन माई चैनल इट इज लाइक ऑफिशियली माई फर्स्ट व्लॉग इन दिल्ली 4 दिन से बट मैंने इससे पहले इसलिए व्लॉग नहीं किया बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी वेरी कॉट अप बिकॉज दिवाली वीक एंड बहुत सारा हाउस पार्टीज थी बहुत सारे गेट टुगेदर्स थे सब कुछ था तो इसलिए मैं कैमरा उठाने का सोचा भी नहीं आई वॉज बिजी इंजॉइंग एंड हैविंग माई टाइम एंड टूडे इज दिवाली आई एम श्योर यू मिस दिस बॉय You missed this boy, didn't you, Benny? Benny, ये देखो कौन है? वो अपने गार्डन में खुले हैं. Sweet boy, sweetie boy. Where are you? Where are you? Yay! Here you are. सो द रीजन दैट आई एम रेडी एंड अप सो अर्ली एंड ऑल डेक्ड अप इज बिकॉज हर दिवाली पापा के ऑफिस में पूजा होती है आप लोग की भी होती होगी सो पापा के ऑफिस में पूजा होती है तो उसके लिए अभी वी हैव टू लीव एंड देन शाम में घर पे पूजा होती है सबके घर होती होगी अगेन एंड उसके लिए आई हैव अ सेपरेट आउटफिट बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड दिस दिवाली दैट आपने ऑलरेडी मेरे इंस्टाग्राम पर देख लिया होगा मैंने कितने सारे दिवाली लुक्स ऑलरेडी कर दिए तो सिर्फ एक स्पेशल अलग से मैंने दिन रखा था टू शूट फॉर दिवाली आउटफिट्स जो 3 लुक्स मैंने डाले हैं इफ यू हैवंट वॉच दैट प्लीज गो ऑन माई इंस्टाग्राम एंड वॉच दैट बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करा था उस एक दिन में मैं आई थिंक 12:30 स्टूडियो से निकली थी रात में टू वॉच दैट एंड डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट दैट यू कमिंग फ्रॉम दिस वीडियो एंड बालकनी का डेकोर एंड एवरीथिंग यू गोना सी इन द इवनिंग बिकॉज दैट्स व्हेन इट्स ऑल लिट अप एंड अभी मैं जाती हूँ वी आर गेटिंग लेट फॉर द पूजा सो आई विल गो एंड आई विल कैच यू गाइस देयर निकल चुके हैं मम्मी पापा रेडी हैं राघव यहाँ पे बैठा है बट उसने मुझे मारा है कि मुझे मत दिखाना सो मम्मी हाय बोल जल्दी पीछे मेरा फर्स्ट दिल्ली व्लॉग है पापा ओ मास्क उतार रहा अपना स्पेशली वाओ आगे देखो प्लीज हैप्पी दिवाली टू ऑल और ये सबका दिवाली बोनस मिलते हुए पापा के मैं तो इसलिए आती हूँ पापा को पता है ना ऑफिस मेरे में जरा 5,000 डाल देना ओ यस आशी में 20,000 डालना कोई देने की जरूरत नहीं आशी का फाड़ के फेंक आशी में 20,000 बोनस चाहिए मुझे तो गाइस पूजा हो चुकी है डन एंड एज यूजुअल मेरे एक कान का हमेशा दर्द करने लग जाता है तो मैंने उतार दिया और मैं ऐसे बाल आगे कर लेती हूँ जस्ट लाइक आलिया बट फ्रॉम सॉटी यस तो फिर भी बट मैं बाल हमेशा में हमेशा राइट कान दर्द करने लग जाता है मैं थोड़े भी भारी झुमके नहीं पहन सकती ज़्यादा देर तक तो अभी मैं ऐसे ही रहने वाली हूँ फाइनली सीताराम को छोले भटूरे जो मैं मुंबई में इतना याद कर रही थी और ये हमारा रिचुअल है कितने साल से बड़े पापा हैं बड़े पापा है बोलो ये हम कितने साल से यहाँ पे आते सीताराम के खाते हैं कितने साल हो गए हमें 20 years अच्छा सच्ची 20 साल से जब से मैं पैदा हुई थी तब से मैं सीताराम को छोले भटूरे खा रही हूँ वही मतलब यस तो मेरा फिर बहुत मिस किया मैंने इसको तो फाइनली बैक होम एंड आई एम सो टायर्ड फॉर नो रीजन आई थिंक इट्स जस्ट द लैक ऑफ स्लीप और नीचे बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं शो इतनी ज़्यादा नींद में हो कि मेरे फेस पे ऐसे आ रहा है और ये झुमके में दोनों ताड़ों में कान दर्द हो गया और मेरा फेस बहुत ऐसे हो रहा है क्योंकि मैं बहुत
देखो तीन बार सेम बात बोल दूं मुझे पता भी नहीं चला बहुत नींद में हूँ। हेलो गाइस, सो अ क्विक ट्रांजिशन टू माय होम लुक विद माय ग्रीन टी बिकॉज भटूरे जो खाए मैंने और रोज कम से कम डेढ़ दो महीने से तो मैं बहुत पता नहीं जो मन मैं खा रही हूँ वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ। टाइम नहीं मतलब बिल्कुल नहीं हो रहा वर्कआउट दो महीने से बहुत बस सैड्स मसैड्स। एंड एनीवे अभी मैंने चेंज किया बिकॉज वो बहुत चुभ रहा था मुझे थोड़े थोड़े जगहों पर सो अभी मैंने चेंज किया है। तो 4 बजे तब तक आई एम हैविंग माई ग्रीन टी आई विल वॉच सम शो। अब बाय द वे प्लीज़ प्लीज़ गाइज रिकमेंड मी सम गुड वेब सीरीज वेब शोज मूवीज टू वॉच ऑन नेटफ्लिक्स प्लीज़। मैं बहुत वैसे तो बहुत सिलेक्टिवली देखती हूँ बट बहुत कुछ देख चुकी हूँ मैं तो कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आपको पसंद आए या कोई जो आप रिकमेंड कर जाते हो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स आई वुड लव टू वॉच। सो इट्स फाइनली 2 to 3 hours लेटर सिंस यू लास्ट सॉ मी एंड आई एम ऑल टैक्ड अप इन माई probably which is gonna be the last outfit for Diwali this year and I'm so sad to say that because I had so much fun dressing up shooting so much of content and just having those festive vibes around you it just felt so happy and I think in total I did about including this one I did about 7 outfits for Diwali which is crazy to think about because last year I was not able to celebrate Diwali and this year I went all out and this has to be like my favorite festival. बाहर ढोल बजे This is the whole set that I got. I love this so much and the chunni also. एक तो वाइट कलर अमेजिंग और ऊपर से आउटफिट कितना प्रेटी है एंड आई एम जस्ट गोना रिपीट दिस आउटफिट फॉर श्योर बिकॉज अभी हम वैसे भी कहीं जा नहीं रहे। आई एम एट होम एंड आई एम गोना वेयर दिस एट समबडीज वेडिंग और मे बी कोई और भी ओकेजन पर डेफिनेटली। एंड इस टाइम आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ लो पोनीटेल बिकॉज ऑलमोस्ट हर दिन आई केप्ट ओपन हेयर चाहे कर्ल्स हो या स्ट्रेट हो। आई होप आपको ढोल का आवाज़ ज़्यादा ना आ रहा होगा बट ज़्यादा ना आ रहा हो बट लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं यार उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। जस्ट गोना शो यू द डेकोर पार्ट ऑफ द बालकनी फॉर नाउ एंड देन वी विल गो टू द रेस्ट ऑफ द हाउस एंड पीछे इट्स अ मेस बिकॉज आई जस्ट गॉट रेडी सो यू नो लड़की को रेडी होने में टाइम लगता है गाइस एंड थोड़ा मेस भी होता है। लेट्स गो। दिस वॉज एज इट इज व्हेन आई केम होम। सॉरी ढोल का आवाज़ बहुत ज़्यादा आएगा बट bear with me. So you have already seen the balcony, it's so pretty as it is but it was all lit up when I came home. Mama did that already so bahut zyada pretty lag raha hai especially this corner is my favorite and then everywhere lights hai honi bhi chahiye. Oh I forgot to turn this on. Yes I think aur bhi kahin lights jalti hain jo main jalana bhool rahi hu. ओह या मतलब काफ़ी जगह क्योंकि मम्मी ने इतनी जगह लाइटें लगाई हुई हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ कहाँ कहाँ लाइटें हैं एंड इट लुक्स सो प्रिटी आई एम नॉट इवन कंप्लेनिंग वेट सो प्रिटी इट लुक्स सो प्रिटी गो इनसाइड बिकॉज ढोल की काफ़ी आवाज़ है। सो अभी हमने दिया लगाने हैं बाहर भी एंड पूरे घर में भी बिकॉज पूजा के बाद लगते हैं दिए। सो अभी पूजा होनी बाकी है प्रेप वी आर जस्ट गेटिंग डन ऑलमोस्ट प्रेप्स हो चुके हैं पूजा के लिए भी। मेरे रूम में भी ये तो आपने देख लिया होगा मैं दिखाती फिर भी आपके भी बहुत प्रिटी लग रहा है मेरे को अपने रूम में एंड आई लव जो फेरी लाइट्स लगती है ना कहीं पर भी लगा दो बहुत प्रिटी लगती है। सो ये सो हैप्पी दिवाली एवरीवन। सो बाहर गाइस आर यू गाइस रेडी। मैं मम्मी को बोलता मम्मी डेकोर करना मुझे व्लॉग करना मम्मी ने मैं दिखाना चाहती हूँ क्या करी है थोड़ा वो सेंटी हो गए मम्मी। मैंने मम्मी को बोला डेकोर करना तो बोली ये तो मेरा इलाका है मम्मी बोली ये तो मेरा इलाका है आ जाओ आंदो। बहनी देखो कैसे देख रहा है तब से ऐसे देख रहे मम्मी को करते हुए ना फूल लेके भाग भी रहे ना। हैप्पी दिवाली गुड्डू गुड्डू दादा दिए रखे मैंने बहुत प्रीटी लग रहा है आजकल यही सही है फूल की रंगोली कोई बिगाड़ नहीं सकता वो वाली रंग वाली थोड़ी है। Best and easy. Looks good. Yes. Very nice, huh? So, अभी यहाँ पे दिए हैं अभी हम लाइट करने वाले हैं तो इन 3 2 एंड इट लुक्स सो प्रीटी। मम्मी इधर आ जाओ भाग के इधर आओ राइट बहुत सुंदर लग रहा है एंड अभी चलने की जगह थोड़ी यहाँ से खत्म हो गई है बट कोई बात नहीं डेकोर फर्स्ट डीआईवाई फर्स्ट तो डीआईवाई क्वीन ने किया है पूरा मैंने बैठ के दिए जलाए और दियो के साथ तो कुछ भी हो बहनी सो क्यूट एंड दिवाली की वाइब्स ऑलरेडी इतनी हैप्पी हैप्पी होती है। एग्जैक्टली बहुत हैप्पी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी दिवाली लॉट्स ऑफ लव ब्लेसिंग्स फॉरएवर। वो ये तो हमने दिखाया नहीं और ये भी नहीं दिखाया अरे अरे फूल फूल और ये लैंटर्न छोटे छोटे ये मम्मी ये तिजोरी में रख रहे थे सब कुछ
अब क्या करें, इतना काम होता है साहब। आई एम फाइनली एट द अदर साइड ऑफ द हाउस, मतलब दूसरी बालकनी, एंड यू सी द लाइट्स, आई लव द लाइट्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ टर्न करके, पूरे घर पे हम हमेशा येलो ही लगवाते हैं मोस्टली, सो आई शो यू। बाहर नीचे जाकर तो दिखा पाऊंगा, बट पूरे घर पे यही वाला लगा हुआ है, सो वेट अ सेकंड। सो प्रिटी, आई विश हम पूरे साल ऐसे लाइट्स लगा के रह पाते, कितना सुंदर लगता। तो फुल हाउस पे यही वाला लाइट्स लगा हुआ है ऊपर से नीचे। और अभी अगेन आफ्टर पूजा वी आर गोना पुट दियास ऑन द रेलिंग हियर, यहाँ पे। सी यू इन अ व्हाइल। काजू बर्फी जो भी खाना है बेटे। दिवाली इनकम्प्लीट विदाउट काजू बर्फी। कतली फाइनली दिए लगा दिए, बिकॉज पूजा हो गई है। सो प्रिटी। नो चोकर अभी हटाया मैंने, गला दर्द कर दिया उस चोकर ने, मैंने उतार दिया, फेंक दिया, अभी चुन्नी पहनी है। बट अब मैं चेंज ही करने लगी हूँ, बिकॉज पूजा हो गई, सब हो गया, तो अब मेरे को डिनर करना है, तो मैं कम्फी आउटफिट्स में, आउटफिट्स नहीं आउटफिट, भगवान अब इतना मल्टीपल आउटफिट्स हो गए तो आउटफिट्स यार दिमाग में, अब कम्फी आउटफिट में बैठ के मैं खाना खाने वाली हूँ एंड फैमिली के साथ चिल करने वाली हूँ। आई एम सरप्राइज लोग अभी भी पटाखे फोड़ रहे हैं, कितना भी बोल लो लोग नहीं मानते लोग। ये देखो, दैट वॉज इट फॉर दिस छोटू सा व्लॉग ऑफ माइंड। आई होप यू ऑल लाइक इट, एंड इफ यू डिड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगेन विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। वन डे लेट बिकॉज ये वीडियो लेट जाएगा ऑफकोर्स, आज तो मैं पूरे दिन शूट ही करा, सो एंड ये बहुत छोटा व्लॉग रहेगा आई थिंक सो, जितना मैंने शूट किया उस हिसाब से बहुत छोटा व्लॉग रहने वाला है, बट आई होप यू एंजॉयड, एंड इफ यू स्माइल डोंट फॉरगेट टू लीव अ कॉमेंट विद अ हार्ट इमोजी, सो दैट आई नो दैट आई मेड यू स्माइल टुडे। आई लव यू ऑल सो मच, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।